अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मोहम्मद खालिक कंप्यूटर की जानब से आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने मोबाइल में जो मौजूद एप्लीकेशन है उनके आइकॉन किस तरह चेंज कर सकते हैं और उसका नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, वहां आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आइकॉन चेंज। ये सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर मौजूद है 4.2, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने तो पहले इंस्टॉल किया है, तो आपने पहले ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके ये इंस्टॉल सामने आ गया, आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर दिया। ये सारी एप्लीकेशन हमारी सामने आ गई है। जिस चीज़ जो सी अपने एप्लीकेशन का आइकॉन चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करें। पर अगर मैं ये कैमरा क्लिक किया, चेंज पे क्लिक किया और गैलरी में चला गया। ये गैलरी मुख्तलिफ तस्वीरें, हमने कोई भी तस्वीर इसके ऊपर लगानी है। फर्क करो, मैंने ये स्पीकर का क्लिक कर देते हैं, ये शो हो गए। और नाम चेंज करना तो यहाँ कर आपने लिखना है, कोई भी नाम लिख लें अपनी मर्ज़ी से। और ओके कर दिए। दोस्तों, ये चेंज हो गया। इसके बाद हम बैक पे जाते हैं चेक करने के लिए, ये शो हो गया एम के और कैमरे का निशान। ये देखो दोस्तों, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप इसकी मदद से किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, आइकॉन चेंज कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।